सोशल पत्र पार्टी आप देख रहे हैं भारत एक सोच। योगी की शायरी का जवाब अखिलेश यादव ने कविता से दिया। सदन में अपनी सरकार का बखान करते हुए और खुद को ब्राह्मणों का हिमायती साबित करते हुए कागज पर लिखी हुई एक शायरी योगी आदित्यनाथ ने पढ़ी। योगी की शायरी सुनिए, फिर योगी की शायरी का जवाब अखिलेश यादव ने कविता से कैसे दिया वो आगे दिखाएंगे। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि समन चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी, यही इल्जाम लग रहा है हम पर बेवफाई का। ये शायरी योगी ने इसलिए पढ़ी क्योंकि योगी ब्राह्मण विरोधी होने के अपने ऊपर लगने वाले आरोपों को फर्जी करार दे रहे थे। योगी कह रहे थे कि चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी, मतलब अपराध खत्म करने के चक्कर में ब्राह्मण मारे गए। फिर अखिलेश यादव ने एक कविता लिखी। अखिलेश ने लिखा, पहले छीना जीवन उनका और उनका मान सम्मान, जब सिंहासन डोल गया तब जाकर आया महापुरुषों की समानता का ध्यान। और अब दिखावे के लिए क्या करेंगे, जयंती पर अवकाश का ऐलान, अब झांसे में ना आएगा चेतन मानस बुद्धिमान। यूपी की योगी सरकार पर आरोप है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ठाकुरों की सरकार है और योगी सरकार ब्राह्मण कम्युनिटी के बाहुबली और मजबूत लोगों को खत्म करके ब्राह्मणों का वर्चस्व यूपी से खत्म कर रही है। इसको लेकर ब्राह्मणों में काफी गुस्सा भी है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह सीधे सीधे योगी सरकार पर ठाकुरवाद का आरोप लगा चुके हैं, जिसके लिए उन पर 5 से ज्यादा FIR दर्ज कराई जा चुकी है और योगी सदन में संजय सिंह को नमूना बोल चुके हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल भारत एक सोच को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।